दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला के शहरी सहित तहसील मुख्यालय एवं ग्रामीण अंचलों में बारिश का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के दरमियान शहर में कुल 20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई, जबकि गुरुवार को सुबह 8:30 बजे तक शहर में 17 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई थी। मौसम विभाग ने शनिवार तक बारिश की संभावना जताई है। जुलाई के महीने में आई बाढ़ से प्रभावितों को राज्य आपत्ति प्रतिसाद निधि से 54,72,17,000 रुपए वितरित किए गए। यह सहायता राशि जिले की 7 तहसील कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाने की जानकारी उपजिलाधिकारी संजय खड़से जी ने दी है। अकोला के शहरों सहित जिले के 1,12,000 वाहन मालिक सामने आए हैं जिन्होंने उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई में जुर्माने की रकम अदा नहीं की है। ऐसे वाहन मालिकों पर 3 करोड़ रुपए बकाया होने की जानकारी सामने आई है। आगामी शनिवार 25 सितंबर को जिला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन मामलों को भी समझौते के लिए रखा जाएगा। सस्ते कर्ज से लेकर लॉटरी तक साइबर अपराधियों द्वारा तरह तरह के लालच दिखाकर आम आदमी को ठगने के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर सेल ने जनता सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी है। एक रिपोर्ट अनुसार कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान से इंटरनेट का उपयोग काफी बढ़ गया है। स्थानीय मूर्तिजापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3,06,606 मतदाता हैं। उनमें से 15,997 मतदाताओं के फोटो नहीं थे, जिस वजह से उन मतदाताओं के नाम की सूची उन्होंने BLO को भेजी थी तथा उन मतदाताओं के फोटो प्रस्तुत करने का आवेदन किया था। इसीलिए मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारियों ने करीब 3,200 मतदाताओं के फोटो इकट्ठा किए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण बहाली संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण निकायों के चुनावों में OBC के 27% तक की सीमा में आरक्षण लागू हो सकेगा, जबकि राज्य में कुल मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अकोला पुराना शहर पुलिस के DB कर्मचारियों को गुप्त जानकारी मिली कि शांतता नगर निवासी 22 वर्षीय शुभम विनायक नागलकर धारदार चाकू लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखड़े DB कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया। इस महीने में 2,00,000 टीकाकरण को लेकर जिले में टीकाकरण अभियान जोरों पर है। पिछले 4 दिनों में 46,511 लोगों को टीका लगाया गया है। हालांकि अभी तक टीकाकरण न करवाने वालों की संख्या भी अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो लाभार्थी दूसरी खुराक लेने से चूक गए हैं, वे अपने नजदीकी केंद्र में जाकर जल्द से जल्द टीका लगवाएं। अकोला जिला भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की ओर से शिकायती आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं। जिस किसी को भ्रष्टाचार की शिकायत देनी है, वे अपने आवेदन वह आवश्यक दस्तावेज और सबूतों के साथ 24 सितंबर की दोपहर 12 से 1 बजे तक सर्वसाधारण शाखा जिलाधिकारी कार्यालय अकोला इस कार्यालय में मौजूद रहें। यह जानकारी उप जिलाधिकारी जी की ओर से दी गई है। महान बांध के जल अधिग्रहण क्षेत्र में 23 सितंबर को दोपहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण महान बांध का जल भंडार 100% तक पहुंच गया। मूसलाधार बारिश तथा बांध का जल स्तर बढ़ता देख 23 सितंबर को शाम 4 बजे बांध के 4 दरवाजे 1-1 फीट से खोले गए हैं। बांध से 102 घन मीटर प्रति सेकंड से पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।